हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट है हमारी। इसमें आप देखिए रेस्पिरेशन क्या है बच्चों। रेस्पिरेशन मींस आप जो भी फूड ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, उस फूड को पहले क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, लाइक ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है बच्चे, खाने से एनर्जी रिलीज करवाना। आपने जो खाना खाया है सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट कर लिया है, अब उससे एनर्जी रिलीज करवाई जाती है, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो फूड का ब्रेक डाउन करके, फूड को स्प्लिट करके उससे एनर्जी रिलीज करवाना, दैट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में भी स्टेप है बच्चों। अब उस खाने से एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करवाने के लिए फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद आता है बच्चों क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट इस वीडियो में हम केवल ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लाइकोलाइसिस अगर वर्ड के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ दो वर्ड है, ग्लाइकोज एंड लाइसिस। ग्लाइकोज का क्या मीनिंग है बच्चों, सुगर, और लाइसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग, जो कि हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, यानी सुगर को क्या करना, स्प्लिट करना एनर्जी की फॉर्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सेल के किस पार्ट में, ये हम जानते हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है हर सेल में, हमारे ईच एंड एवरी सेल के पास खाना पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, मींस ग्लाइकोलाइसिस भी हर सेल में हो रहा है, और हर सेल में भी कहां, साइटोप्लाज्म में। एंड इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यहां ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, और इस ऑक्सीडेशन में ये जो ग्लूकोज है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये ग्लूकोज कहां से आ रही है, आइदर फ्रॉम सुक्रोज, या तो सुक्रोज के ब्रेकडाउन से, या फिर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट में स्टोर है कार्बोहाइड्रेट, उसकी स्प्लिटिंग होके क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। प्लांट्स में सुक्रोज से या स्टोर की हुई किसी और कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज आती है। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज और आप इसके बारे में जानिए, इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। इसे और क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं बच्चों ग्लाइकोलाइसिस को। EMP पाथवे साइंटिस्ट के नाम के लिए है, E4 एम्बिडन, M4 मेयर हॉफ, एंड P4 पार्नास। इन तीन साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था, इस बेसिस पर ही इस पाथवे को EMP पाथवे भी बोलते हैं। सो प्रोसेस स्टार्ट होती है जो ग्लूकोज से ही। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यहां हमारे पास क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का मतलब समझ रहे हो बच्चों, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 6 कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप एड हो गया। जहां कहीं भी फॉस्फेट ग्रुप एड होना हो, तो आपको याद रखना है कि फॉस्फेट ग्रुप एड करवाने के लिए एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एक एटीपी खर्च होगी। यहां एटीपी खर्च होगी तो एक फॉस्फेट रिलीज करेगी, वो तो ग्लूकोज में ऐड हो गया, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी में। तो यानी कि आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेप में एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है और एडीपी बन रहा है, और वो जो फॉस्फेट रिलीज हो रही है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रही है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। सेकेंड स्टेप में चलिए, इट इज अ 10-स्टेप प्रोसेस। ये ग्लाइकोलाइसिस पूरी 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। सेकेंड में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। अब एक चीज और हमने यहाँ लिखी हुई है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज वर्ड, काइनेज वर्ड जहां कहीं आ जाए समझ जाओ भाई फॉस्फेट ग्रुप ऐड होना है। जब कहीं फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो तो एंजाइम के जो आपको नाम मिलेगा, काइनेज वर्ड मिलेगा, और हेक्सो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ किसके लिए, 6 कार्बन के लिए, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो इसको याद रखने का ये तरीका है। वैसे तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, कुछ अपनी ट्रिक बनाए कि भाई हेक्सोकाइनेज है पहला एंजाइम, दूसरा फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज है, बट मैं जैसे प्रोसेस से जोड़ के आपको बताऊंगी उससे जल्दी से याद रहेगा, प्रोसेस से लिंक करके कि भाई यहाँ हुआ क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप एड हुआ है। तो काइनेज वर्ड याद रखिए दिमाग में, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ साथ ये ग्रुप 6 कार्बन वाला था, हेक्सो रख लीजिए, तो हेक्सोकाइनेज इस
स्टेप पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है। दूसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मैं आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सीधा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल रही है, यानी कि बस आइसोमर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आइसोमराइजेशन हो रहा है यानी दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा, आइसोमरेज, ठीक है, इतना तो याद रख सकते हो ना, आइसोमर बदल रहे हैं तो क्या होगा, आइसोमरेज एंजाइम। और फॉस्फो हेक्सो क्यों यूज हुआ, क्योंकि बच्चों ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है खाली, तो आइसोमरेज यूज कर लेते हैं, ग्लूकोज के साथ क्या है 6 फॉस्फेट है, सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की वजह से यहाँ फॉस्फो लगा दिया, फॉस्फो और हेक्सो किसके लिए, वही ग्लूकोज के लिए, तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। पहले क्या हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देखो प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करके याद कीजिए, एक पार्ट में सीधा सीधा ऐसे लर्न करो ग्लूकोज ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदलेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पहले याद करो कौन कौन किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, फिर दूसरे स्टेप में दूसरी तरफ आपको क्या याद करना है, एंजाइम याद करना है कि पहले स्टेप में ये वाला एंजाइम हुआ, दूसरे में ये हुआ, और अगर रिएक्शन से जोड़ के एंजाइम को याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, उन्हें ऐसे रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तीसरे स्टेप में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, 1,6 का मतलब क्या है यहाँ, 6 फॉस्फेट का मतलब था छठी कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप है, 1,6 का मतलब पहली कार्बन पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, एक नया फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो क्या होगा बच्चों, एक एटीपी फिर खर्च होगी, यानी कि थर्ड स्टेप पर एक एटीपी और खर्च होती है और एडीपी बनती है और बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ जो एंजाइम यूज होगा मैंने कहा था एटीपी खर्च होगी जहाँ और फॉस्फेट ऐड होगा वहां, काइनेज तो आना ही आना है, काइनेज लिख दिया आपने, अब कौन कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फो फ्रक्टो, क्या कन्वर्ट हो रहा है यहाँ, फॉस्फो फ्रक्टो, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था ना, तो फॉस्फो पहले यूज करो फ्रक्टो बाद में, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, एंजाइम कौन सा हुआ, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, बिकॉज किसको कन्वर्ट करना था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यानी एक फॉस्फेट और जोड़ना था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, बस उसको उल्टा लिखना है, फॉस्फो को पहले लगाना है फ्रक्टो को बाद में, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, काइनेज लगा देना लास्ट में, फ्रक्टोज 1,6 यहाँ पहले क्या बना था हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इनको ऐसे शॉर्ट में लिख के आप याद करो, ग्लूकोज ग्लूकोज फिर G6P में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में, ये हो गया। अब इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, ट्रायोज फॉस्फेट, चौथा स्टेप हमारा क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट बनेगी, दो ट्रायोज फॉस्फेट बनती है यहाँ, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, एक मॉलिक्यूल DHAP का, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसके पास दो फॉस्फेट थे ना बच्चों, एक इधर चला गया और एक ग्लिसरेल्डिहाइड के पास रह गया 3 फॉस्फेट, यहाँ भी DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और एक फॉस्फेट, अब ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, इस ट्रायोज फॉस्फेट को, ट्रायोज का मतलब है यहाँ 3 कार्बन रह गए, क्योंकि यहां तक आप देखिए 6 कार्बन वाले कंपाउंड थे, अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, 3 कार्बन वाले कंपाउंड में, तो 3 कार्बन इसके पास चले गए, 3 कार्बन इसके पास, एक फॉस्फेट इसके पास चली गई, एक फॉस्फेट इसके पास, क्या क्या बना यहाँ, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ऐसे याद रखो इसको, ग्लिसरेल्डिहाइड 3P और DHAP, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP दो चीजें बन गई और इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आगे हम एक की प्रोसेस पढ़ेंगे और जो प्रोसेस एक की होगी क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है वही सेम इसकी फॉलो होगी, तो जहां कहीं एक मॉलिक्यूल बनेगा वहां 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्योंकि इससे भी वही सारी चीजें बननी है जो इससे बनेगी। तो यहाँ क्या बना चौथे स्टेप में, ट्रायोज फॉस्फेट, पहला क्या था ग्लूकोज, ग्लूकोज किसमें मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट में, 1,6 बिस फॉस्फेट किसमें मतलब ट्रायोज फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो ट्रायोज फॉस्फेट में बदल गया, एक ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक DHAP। अब ये ग्लिसरेल्डिहाइड एक एल्डिहाइड जो है ये विद 3 फॉस्फेट यानी तीसरे कार्बन पर एक फॉस्फेट, यहाँ एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगी और ये भी डाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब बात आती है सोचने वाली कि यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, तो यहाँ यूज होती है बच्चों H3PO4,
फास्फोरिक अम्ल। पांचवें स्टेप में फास्फोरिक अम्ल यूज होगा फॉस्फेट समूह देने के लिए या फॉस्फेट ग्रुप देने के लिए, तो बन जाएगा 1,3-diphosphoglyceraldehyde। पहले हमारे फॉस्फेट चल रहे थे ग्लूकोज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर बाईफॉस्फेट हो गया था, फिर ट्रायोज फॉस्फेट बन गया था। अब हमारे पास है एल्डिहाइड, जो ट्रायोज फॉस्फेट था वो ग्लिसरेल्डिहाइड था, अब ये हो गया डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। पांचवें स्टेप तक ये डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड अब एक एंजाइम की प्रेजेंस में डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, एनएडी पॉजिटिव को किसमें कन्वर्ट करता है, एनएडी एच टू में। यहाँ एक एनएडी पॉजिटिव यूज होगा एनएडी एच टू में, और ये हाइड्रोजन इसको दे दिए इसलिए ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ एल्डिहाइड बदल जाएगा किसमें, एसिड में। बाकी सारी चीज सेम रहनी है, दो फॉस्फेट ग्रुप भी रहेंगे, 1,3-diphosphoglyceraldehyde की जगह बस क्या हो जाएगा, 2,5-diphosphoglyceric एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बेस का मीनिंग दो, ठीक है, दो फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड लास्ट में। अब इसके बाद आपको यहां से देखना है कि मैंने बताया यही प्रोसेस इस मॉलिक्यूल की चल रही है, तो सबके सामने 2 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये 1,3 तो किसके लिए है, पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप की, पहले कार्बन पर तीसरे कार्बन पर, और ये 2 मल्टीप्लाई में जो भी हम लिखेंगे इसका मतलब है दो मॉलिक्यूल इसके, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इससे बनेगा, एक मॉलिक्यूल इस वाले डीएचएपी से, और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से। तो ग्लिसरेल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बन गया। अब क्या होगा, सातवें स्टेप में बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से खाली फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यानी कि एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगी, वो एक फॉस्फेट सातवें स्टेप में एडीपी से एटीपी बनाने में, यहाँ एटीपी सिंथेसिस होगा, एक फॉस्फेट निकलेगी 1,3-diphosphosphate से खाली 3-phosphoglyceric एसिड रह जाएगा, 3-phosphoglyceric एसिड, यानी ये बन गया पीजीए, ये क्या बन गया पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-PGA, और दो किसके लिए, इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे। और अब फिर सोचिए यहाँ एटीपी सिंथेसिस हो रहा है ना, मैंने बताया था काइनेज याद रखना है भाई, एटीपी जहां भी बनेगा तो एटीपी की बात आएगी, यानी कि काइनेज कैसा, पीजीए काइनेज, बस उसके नाम के आगे पीजीए लगा दो, क्योंकि ये किसका हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। अब 3-phosphoglyceric एसिड बन गया, इसके बाद बनेगा 2-phosphoglyceric एसिड, क्या चेंज आया इसमें, बस जो तीसरी पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप था उसकी जगह दूसरी पोजीशन पर आ गया, वो पोजीशन चेंज हुई है बस। तो यहाँ इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एंजाइम जो यूज होगा म्यूटेज, कौन सा एंजाइम यूज होगा, म्यूटेज, और किसका हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, इसलिए शुरू में लगा दो फॉस्फोग्लिसर, और लास्ट में म्यूटेज, पोजीशन चेंज हो रही है फॉस्फेट की, और किस में हो रही है पोजीशन चेंज, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, पीजीए में, इसलिए फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम यूज हुआ यहाँ, और मॉलिक्यूल वही कितने बनने, दो। अब इसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इनोलेज क्यों, क्योंकि इनोल बनेगा आगे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एसिड या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसके बाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी पीजीए है और वो भी पीजीए था, बस वो 3-PGA और ये 2-PGA, 2-PGA कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यानी पीईपी में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और उसके लिए एंजाइम कौन सा काम करेगा, इनोलेज। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट लास्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें, पाइरुविक एसिड, और यहां भी एक फॉस्फेट रिलीज होगी और एडीपी से क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस, और क्योंकि एटीपी की बात आ रही है तो एंजाइम कौन सा होगा, काइनेज, और कौन सा काइनेज, पाइरुविक एसिड बन रहा है इसलिए पाइरुविक एसिड काइनेज, एंजाइम कौन सा होगा, पाइरुविक एसिड काइनेज, और क्या होगा, एटीपी सिंथेसाइज। तो एटीपी सिंथेसिस कौन कौन से स्टेप में हो रही है, सातवें स्टेप में और दसवें स्टेप में, और एटीपी खर्च कहां हो रही है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में, फर्स्ट और थर्ड में एटीपी खर्च होती है, सेवेंथ और टेंथ में एटीपी बनती है, सिंथेसिस होता है एटीपी का। अब ये पूरे पूरे नाम और पूरे पूरे एंजाइम के साथ आपने ये प्रोसेस देखी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में इसी को प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। सो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो आपको याद रखने की जो ट्रिक है, आप इस तरह याद रख सकते हो, एक बार नाम पढ़ोगे तो फिर उसके बाद उतने से ही आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट होगी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसमें, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 1,6-diphosphate में, ये 3-phosphoglyceraldehyde और डीएचएपी धाप करके याद रख लेना इसको, डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड है,
फिर ये 1,3-diphosphoglyceraldehyde में 1,3-diphosphoglyceraldehyde LDHyde की जगह बस एसिड हो जाएगा 1,3-diphosphoglyceric एसिड, 1,3-diphosphoglyceric एसिड से एक फॉस्फेट हटेगा और 3-phosphoglyceric एसिड रह जाएगा, 3-phosphoglyceric एसिड 2-phosphoglyceric एसिड में पोजीशन चेंज होगी बस फॉस्फेट की, फिर उसके बाद 2-phosphoenol pyruvate और लास्ट में pyruvic एसिड। ये 10 स्टेप है बच्चों हमारे। अब इन 10 स्टेप में कहां क्या क्या हो रहा है, एक तो फर्स्ट स्टेप में एटीपी खर्च हो रही है एक मॉलिक्यूल, और थर्ड स्टेप में भी एक एटीपी खर्च होती है, क्योंकि देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, एक फॉस्फेट ऐड हो रही है, एटीपी खर्च होगी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, फिर एक एटीपी खर्च हुई। सिक्स्थ स्टेप में ग्लिसरेल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बन रहा है, यहाँ एक NADH2 बनता है, क्या बनेगा NADH2, NAD पॉजिटिव से NADH+H पॉजिटिव या NADH2 कह लीजिए सिंथेसिस होगा। सातवें स्टेप में हमारे एक ATP बनेगी, एक ATP बनेगी कैसे, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था ये एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया, यानी कि एक फॉस्फेट निकली तो वो क्या बनाने में यूज हो गई ATP। सातवें में ATP बन रहा है और एक दसवें में ATP बन रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP खर्च हो रही है एक एक मॉलिक्यूल, सेवेंथ और टेंथ स्टेप में ATP बन रही है दो दो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि यहां के बाद आपको याद हो ये दो मॉलिक्यूल बन गए थे ना 3-phosphoglyceraldehyde और DHAP, तो दोनों की प्रोसेस चलेगी, तो यहाँ के बाद जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सारे कितने हैं दो दो मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल बनने में कितने ATP बनेंगे, यहाँ दो ही ATP बनेंगे, यहाँ भी दो ATP, तो दो और दो 4, यानी टोटल 4 ATP बन रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में, कितने ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं 4, और हमारे खर्च कितने हो रहे हैं 2 ATP, तो नेट गेन कितने ATP का हुआ, नेट गेन हुआ बच्चों 2 ATP का, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में नेट गेन ATP का कितने ATP का होता है 2 ATP का। अगर कोई पूछे टोटल सिंथेसाइज कितने होते हैं 4, टोटल खर्च कितने होते हैं 2, तो नेट गेन कितने का हुआ इसमें 2 ATP का। अब बात करें NADH2 की, अब आप जानते हो अगर तो एक NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगा तो एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, और यहाँ NADH2 भी कितने बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, तो 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी टोटल 6 ATP ऐसे मिल जाएंगे, पर डायरेक्ट ATP जो मिले हैं वो केवल 2 मिले हैं, और NADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू भी 6 मिल सकते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने हो जाएंगे टोटल 8 ATP का हो जाएगा गेन, बट डायरेक्ट केवल 2 का, 6 ATP किसके फॉर्म में, किसके रूप में है NADH2 के फॉर्म में है, जो ETS में एंटर करेंगे तब हमें उत्तीर्ण होंगे। सो बच्चों ये था ग्लाइकोलाइसिस, अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।